तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में भी तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में मुतादिद मवेशी बह गए, कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं, तीन अफराद जान की बाजी हार गए। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि कौमी शहराओं पर जगह जगह आमदोरफ्त मौसल। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनकता हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कोहलू के नदी नालों में तुगयानी से सोनारी पुल बह गया, जिसकी वजह से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राब्ता मुनकता हो गया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहबानी के मुताबिक बारिश और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 3 अफराद के जांबहक होने की इत्तलात है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मानसून रेंज वाले इलाकों अवारान, तुरबत, गवादर और माड़ा, डेरा बुगटी, झलमक्सी, हरनाई, लसवेला, जाफराबाद और नसीराबाद, बोलान और सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। जाफराबाद में बारिश के बाइस पेश आने वाले हादसात में 2 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि हब में सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पुजदार के तफरीही मकाम मौला चटोक में सैलाबी रेले में फंसे 7 सयाह रेस्क्यू कर लिए गए, जबकि मकरान कोस्टल हाईवे पसनी के बदोक के करीब पुल सैलाबी रेले में बह गया, जिसके बाइस गवादर का लसवेला और कराची से जमीनी राब्ता मुनकता हो गया और कई गाड़ियाँ फंस गयी।